और भाई कैसी है पब्लिक। सो आज भी मेरे पास काफी सारी न्यूज हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और जैसे कि मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट करके बोला था कि मैं 3-4 दिन कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करूंगा क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरा 2-3 दिन बाद वीडियो होगा वो 10K स्पेशल Q&A होगा, जिसके लिए आप सब लोग एक्साइटेड हो और आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। तो हाँ, अगर आप में से किसी ने भी अपना क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मैंने जो ये वाली कम्युनिटी पोस्ट करी है इस पे अपना क्वेश्चन पूछ लेना और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकूं। तो बाकी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की फर्स्ट न्यूज निकल के आ रही है गेमर फ्लीट को लेके। तो क्या गेमर फ्लीट के जैक का फेस रिवील होने वाला है, और अगर होने वाला है तो कब होगा, इसके रिलेटेड काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ टाइम पहले जब अंशुबिश चैनल पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे तो उन्होंने उस टाइम एक ट्रूथ एंड डेयर यानी कि Q&A टाइप वीडियो डाला था ये वाला। और इसमें किसी ने उनसे पूछा था कि जैक का फेस रिवील कब होगा, इस पर उन्होंने बोला था कि जब अंशुबिश चैनल पे 5 मिलियन हो जाएंगे तो वो जैक का फेस रिवील कर देंगे। बट अंशुबिश ने कल 4 मिलियन स्पेशल Q&A डाला और उसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर जैक का फेस रिवील करेंगे क्योंकि वो अपने चैनल के लिए जैक को फोर्स नहीं कर सकते। बाकी उन्होंने क्या कुछ बोला ये तुम लोग देख लो। वी डूइंग जैक फेस रिवील। देखो दोस्त, जैक का फेस रिवील करेंगे हम लोग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे, ये खुद जैक ने बोला है। तो ये सीधी बात है यार, जैक ऐसा पर्सन तुम समझ रहे हो ना कि मैं अपने चैनल के लिए ऐसे तुम बोलूंगा चल रहा चला देगा चल, ऐसे नहीं कर सकता ना मैं यार। भाई मतलब वो मेरे को अपना भाई मानता है और भाई वो चाहता है कि मेरा चैनल ग्रो करे, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या ही होगी। बट यस, उसके साथ साथ वो बोल रहा था भाई कि 10 मिलियन पे ही करेंगे। उसने बहुत पहले बोला था मेरे को क्लिप मिलेगी तो मैं डाल दूंगा यहाँ पर, बट उसने बहुत पहले बोला था कि 10 मिलियन पे करूंगा। मैंने तो बोला 5 मिलियन पे कर दे यार, लेकिन उसने माना नहीं। बट ठीक है, जैक है यूट्यूब चैनल नहीं दोस्त। जैक के नाम का कोई भी तुम्हें यूट्यूब चैनल मिले तो वो फेक चैनल है भाई, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा मत करना। जैक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अंशुबिश पे देखने को मिलेगा क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चैनल है नहीं। और बाकी है जैक की वॉइस रिवील कब होगी। भाई सिंपल सी बात है, बोल रखा है 5 मिलियन पे जैक की वॉइस रिवील होगी। इसके तो घर में जाकर पकड़ के इसको लेके आऊंगा और उसके बाद वॉइस रिवील करूंगा, चाहे फेस नहीं रिवील करेंगे क्योंकि जैक ने खुद बोला हुआ है, फिर वो चीज उसके अगेंस्ट हो जाएगी। पर इसने बोला है भाई 5 मिलियन पे वॉइस रिवील करूंगा, अब तो दिखाऊंगा भाई मैं। 5 मिलियन पे इसकी आवाज रिवील नहीं कर दी ना मैंने भाई, जैक की वॉइस रिवील कब होगी कब होगी कब होगी भाई। जैक की वॉइस रिवील होगी 5 मिलियन पे, 5 मिलियन पे जैक की वॉइस कैसे भी लेकर आऊंगा तुम। ऑल्सो गेमर फ्लीट की बात हो रही है तो क्या ये लॉयल एसएमपी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो जब रिसेंटली बल्कि स्टार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो उस टाइम उनसे किसी ने बोला कि गेमर फ्लीट को लॉयल एसएमपी में लो, तो उस पर बल्कि स्टार ने क्या बोला था ये तुम लोग देख लो। फ्लीट को ले लो लॉयल एसएमपी में। हाँ भाई वो चाचा का लड़का है मेरे यार, ये बात गेमर फ्लीट को बोलेगा चले। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, हमारा हम जानते नहीं उसको भाई, हमको नहीं जानता होगा, हमें पर्सनली नहीं जानते हम गेमर फ्लीट को भाई। ओके देन, बात करते हैं आप अगली न्यूज की जो कह रहे आई एम भिक्षु को लेके। तो उन्होंने कल एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे जिसमें उन्होंने एक बंदे की रिएक्शन वीडियो को शेयर किया है और वो बंदा भिक्षु के सॉन्ग पर रिएक्ट कर रहा था। तो भिक्षु ने लिखा बहुत प्यार भाई को, जाओ और प्यार पहुंचाओ भाई तक, गो एंड शो योर लव। तो या ये शायद से उनके कोई दोस्त वगैरह हैं क्योंकि भिक्षु जनरली किसी भी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ओके देन, बात करते हैं आप अगली न्यूज की जो कह रही यस स्मार्टीफाई के हिमलैंड को लेके। तो आप लोगों ने स्मार्टीफाई का न्यू हिमलैंड का वीडियो देख लिया होगा जिसमें कि स्मार्टीफाई मर जाते हैं, और अब काफी सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या सच में स्मार्टीफाई मर गए हैं और क्या इससे हिमलैंड एंड हो गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं स्मार्टीफाई ही मेन आदमी है हिमलैंड्स के, वो कैसे मर सकते हैं हमें नेक्स्ट एपिसोड में वो दिख जाएंगे, और कैसे रिवाइव होते हैं ये हमें पता चलेगा ड्रीम बॉय और एसडीओ के हिमलैंड्स के एपिसोड से। बाकी इस पर आई एम रोमन ने भी अपना ओपिनियन बताया है अपने न्यू वीडियो में, और उन्होंने क्या बोला है ये तुम लोग खुद देख लो। तो अब हम लोग बात करते हैं स्मार्टीफाई के बारे में, कि स्मार्टीफाई क्या सच्ची में मर चुके हैं और क्या वो जिंदा होंगे भी या फिर कहीं और ही स्पॉन होंगे। उससे पहले हम लोग किलविश के उस ट्राइडेंट के बारे में बातें करते हैं, क्या वो ट्राइडेंट वो एक ही हीट में सभी को मारता है या फिर मतलब कि उसे कोमा वगैरह में पहुंचाता है। तो देखो भाई, नुबड़ा जी को किलविश ने मार दिया एक ही हीट में ट्राइडेंट से मारा, तो नुबड़ा जी जो है पूरी तरीके से कोमा में ही चले गए जो कि एजियो भाई ने खुद हमें बताया। तभी एजियो भाई उसे फिर से जिंदा करने वाले हैं, अगर पूरा ही मर जाता तो उसे जिंदा करना इम्पॉसिबल था, पर एजियो भाई उसे जिंदा करने वाले, इसका मतलब कि वो नुबड़ा जी पूरी तरीके से नहीं मरा है। तो स्मार्टी भाई भी मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक वो भी जिंदा ही होंगे, कंप्लीट नहीं मरे होंगे। अब काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे अब हिमलैंड्स में आगे क्या होने वाला है, क्या स्मार्टी भाई फिर से जिंदा हो गए भी या फिर नहीं होंगे, या फिर होंगे तो कहाँ पर होंगे। तो गाइस मुझे लगता है कि हिमलैंड्स में आगे चलकर एजियो भाई स्मार्टी भाई को जिंदा करेंगे, जिस तरीके से नुबड़ा जी को हार्ट को फिर से करेगा बिल्कुल उस तरीके से मुझे लगता है कि स्मार्टी भाई साथ के भी वही होगा। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर हमें एजियो भाई और ड्रीम बॉय की वीडियो के अंदर ही पता चलेगा कि स्मार्टी भाई के साथ क्या होने वाला है। ओके देन, बात करते हैं आप अगली न्यूज की जो कह रही हीरो बनने एसएमपी को लेके। तो चपाती गेमर ने करीब 5 महीने बाद अपने चैनल पे कल लाइव स्ट्रीम करी और इस स्ट्रीम पर काफी सारे लोग हीरो बनने एसएमपी स्पैम कर रहे थे, तो इस पर चपाती गेमर ने क्या कुछ बोला ये तुम लोग देख लो। अरे हीरो बन एसएमपी का क्या हुआ, अरे मेरे को नहीं पता, मेरे को रास की बात बताता हूँ। एक सीक्रेट है, जब मैं बिजी था ना काम कर रहा था घर के ऊपर,
तो मेरे को याद है कि आई थिंक जनवरी था फरवरी था, मैंने अपनी फ़ोन चेक करी थी और फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आया था सारे हीरो बैंड मेंबर्स का, ठीक है। तो ये राज की बात है, अभी कौन सी राज की बात है सबको पता लग चुका है, बट एनीवेज राज की बात है। और वो था कि इस तारीख को एक मीटिंग रखनी है हीरो बैंड SMP के बारे में थी वो मीटिंग। अब मेरे को पता नहीं कि उस दिन हुआ क्या, क्योंकि भाई हम यहाँ पर बिजी थे, तो मेरे को नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ, मीटिंग हुई मीटिंग नहीं हुई, क्या डिसीजन निकले, क्या समाचार निकला, क्या लॉ पास हुआ, मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को इतना पता है कि एक मीटिंग हुई थी। मैंने मैसेजेस जब मैंने फ़ोन ऑन किया ना तो एक उसमें मैसेजेस थे, या इतना मेरे को पता है कि एक मीटिंग हुई थी। पर एनीवेज जितना मेरे को पता था मैंने आपको बता। ओके, सो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।